हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, अभी तक हमारे पास कार्ड्स आए हैं द लवर्स, टू ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्स, द फूल एंड स्ट्रेंथ। और साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ धुंधला, एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु, एरीज लियो सजिटेरियस। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए वह है 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कार्ड ही द लवर्स का आ गया है। तो ये पर्सन जो भी है आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों के दरमियान ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, कभी चला जाता है, कभी ब्रेकअप होता है तो कभी फिर से आपका रीयूनियन हो जाता है। इसी तरह से दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे पा रहा इसी बिहेवियर के रहते। और नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं ना, हमारे पास टू ऑफ वांड्स ही है। तो ये राइट टाइम का, कहीं जाने का, कहीं से वापस आने का वेट कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये पर्सन फैमिली बना चुका है, या फिर हो सकता है ये पर्सन मैरिड भी हो, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है हमारे पास। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा टेन ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन या तो पहले से ही मैरिड है, इसलिए आप दोनों के दरमियान इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। कभी ये पर्सन आता है तो कभी चला जाता है। नेक्स्ट कार्ड हमारा किंग ऑफ सोर्स है। इस पर्सन की लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस पर्सन का गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, ईगो ज़्यादा हो सकती है इस पर्सन में। अपने इसी स्वभाव की वजह से ये पर्सन इस तरह का व्यवहार आपके साथ में रख रहा है। यह नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द फूल है। तो ये न्यू बिगिनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप की, बट कहीं ना कहीं स्टक है ये पर्सन, क्योंकि स्ट्रेंथ भी है हमारे पास, या तो इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है जिसके रहते भी ये पर्सन आपको शायद पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा। तो ये पर्सन अपनाना चाहता है बट अपना नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन थोड़ा वक्त और निकालना चाहता है इसी तरह ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हुए। परमानेंट रीयूनियन इस पर्सन का आपके साथ में हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, अगर ये पर्सन हिम्मत कर ले आपका हाथ थामने की, जो कि इसमें अभी नज़र नहीं आ रही है। और वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि या तो ये मैरिड है या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। वहाँ से निकलेगा तब जाके आपके जीवन में आएगा परमानेंट। इसीलिए ये पर्सन जब इसे आपकी याद आती है तो ये आपकी तरफ खींचा चला आता है, और जब इसको एहसास होता है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा तो ये आपके जीवन से चला जाता है। बटा चाहता ज़रूर है ये आपको, आपसे प्यार भी करता है, आपको कमिटमेंट देना भी चाहता है। स्ट्रेंथ की कमी की वजह से ये सब कुछ नहीं कर पा रहा, जिस वजह से ये खुद भी इस बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा है कि ये आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है। तो शर्मिंदगी भी है इस पर्सन में इस बात की, और आज सुबह भी ये पर्सन काफ़ी शर्मिंदगी से भरा हुआ है क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। इस पर्सन को आपकी याद भी आ रही है पर ये बात नहीं कर रहा, खुद के बढ़ते कदमों को खुद ही रोक रहा है, इंतज़ार कर रहा है सही वक्त का, और ख़ुद में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहता है, आपकी इसके रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहता है, जो ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कि दे देंगे, क्योंकि यहाँ कार्ड्स काफ़ी परफेक्ट हैं और पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है बहुत जल्द। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।